देवास जिले के खाते गांव जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत हरण गांव में सचिव सरपंच की मनमानी चरम पर है। ग्रामीणों ने बताया पीएम आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि 1,50,000 है, जहां हितग्राही को सिर्फ 1,20,000 रुपए ही मिले हैं। लोगों ने अपने निजी रुपयों से आवास तो पूरा करवा लिया है और अब पंचायतों के चक्कर लगा रहे हैं। आवास को पूरा हुए एक साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन सचिव जी की नींद ही नहीं खुल रही है। ग्रामीणों को दो दिन चार दिन का बोलते बोलते आज एक साल होने को आया, पर बकाया राशि का कोई पता नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि बकाया राशि सरपंच सचिव ने दूसरों के खातों में डलवा कर खुद ही निकाल लिए हैं। देखना यह है कि इन लोगों पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं, या ऐसे ही मनमानी चलती रहेगी। खाते गांव से सादिक खान की रिपोर्ट। इस प्रकार की विभिन्न हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए, जिनको संपूर्ण राशि अभी तक नहीं दी गई है। इस संबंध में संबंधित एजेंसी से बात की जाएगी और बात करने में ये जान लगे कि उनका पैसे क्यों नहीं मिले हैं, और यदि पैसे नहीं मिले हैं तो उनको राशि भुगतान के संबंध में चर्चा की जाएगी और उनकी समस्या का हल किया जाएगा। वहाँ के हितग्राहियों का कहना है कि मंत्री सरपंच ने उनका बकाया जो राशि है वो दूसरे के अकाउंट में डलवा के निकाल दिया है, उस पर कोई कार्रवाई होगी? हाँ बिल्कुल, अवश्य होगी। संबंध में सीओ जिला पंचायत जनपद पंचायत को निर्देशित किया जाएगा कि वो विस्तृत जांच करके प्रतिवेदन दें ताकि उनकी कार्रवाई की जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।